मैं नीतीश राज चौधरी तेज एजुकेशन से आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। जिस प्रकार से कुछ रूमर चल रहा था कि फेसबुक पर कुछ क्वेश्चन गलत बताए जा रहे थे, तो हमारी एक्सपर्ट टीम के द्वारा कुछ क्वेश्चन वास्तव में ही गलत हैं उनको हम आपको बता रहे हैं। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं 24 फरवरी फर्स्ट शिफ्ट का क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में जो आपका दिया गया है वह आप देख सकते हैं यहाँ से कि यहाँ पर आपका जो क्वेश्चन नंबर 7 है पूछा गया है, यदि एक बेलन की त्रिज्या ऊंचाई का अनुपात इतना इतना है तो उसकी त्रिज्या है, तो उसकी त्रिज्या कितनी होगी, यहाँ पर आपका ये क्वेश्चन बना हुआ था। इसके बाद हम देखते हैं इसका जो हमने आंसर निकाला हमारे एक्सपर्ट के द्वारा, इसका जो आंसर आया है हमारे एक्सपर्ट के द्वारा देख लीजिए, आंसर जो एक्सपर्ट के द्वारा आया है वह आंसर आया है इसका देख लीजिए आप लोग एक बार। त्रिज्या उन्होंने 5x मानी है, ऊंचाई 7x मानी है और इस प्रकार उन्होंने निकाला है, तो उनका जो आंसर है 500 सेंटीमीटर आया है या 5 मीटर आया है, जबकि ऑप्शन में कहीं भी नहीं दिया गया है कि यहाँ पर कितना आंसर होना चाहिए। ऑप्शन में आपको सारे के सारे आंसर सेंटीमीटर में दिए गए हैं, जबकि यहाँ पर ये आपका घन मीटर में दिया गया है। तो इस प्रकार से आप इस क्वेश्चन को आपत्ति में डाल सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 16 आपका 24 फरवरी फर्स्ट शिफ्ट का, यहाँ पर जो दिक्कत है या यहाँ पर जो प्रॉब्लम है वह यहाँ पर ये प्रॉब्लम आ गई कि यहाँ पर आपका इंग्लिश में पूछा गया है द एंगल विच इज़ 24 डिग्री लेस देन इस कॉम्प्लीमेंट, जबकि कॉम्प्लीमेंट का जो कॉम्प्लीमेंट की जो मीनिंग होती है वो होती है आपकी पूरक, जबकि हिंदी में पूछा गया है आपसे संपूरक। संपूरक एंगल जो होता है वो आपका सप्लीमेंट्री एंगल होता है, मतलब ऐसे दो कोण जिनका योग 180 डिग्री होता है। तो यहाँ पर जो प्रॉब्लम है यहाँ पर वह इसी की है कि यहाँ पर आपसे पूछा गया है कॉम्प्लीमेंट, जबकि यहाँ पूछा गया है संपूरक। तो हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही आपके गलत गलत सवाल पूछे गए हैं, तो आप इस क्वेश्चन को भी आपत्ति में डाल सकते। देख लेते हैं इसका आंसर क्या आना चाहिए हिंदी के अनुसार। यह क्वेश्चन आपका हिंदी में पूछा गया है तो हिंदी के अनुसार आपका आंसर आना चाहिए, हिंदी और अंग्रेजी दोनों में अलग अलग पूछा गया है तो आपका आंसर आना चाहिए कॉम्प्लीमेंट, मतलब आपका पूरक होता है, जबकि हिंदी में संपूरक पूछा गया है तो हिंदी के हिसाब से जो आंसर आना चाहिए आपका 102 डिग्री आना चाहिए। तो ये क्वेश्चन भी आप लोग आपत्ति में डाल सकते हैं। इसी के साथ आप तेज एजुकेशन के साथ बने रहिए, हम कुछ और भी क्वेश्चन होंगे 25 फरवरी और 26 फरवरी के कुछ क्वेश्चन होंगे उनको भी हम आपके सामने लाएंगे। आप हमारे फेसबुक पेज से जुड़ सकते हो जैसा कि आपको बताया गया, और हमारा व्हाट्सएप नंबर हम आपको बता देते हैं, हमारा जो व्हाट्सएप नंबर है इस ग्रुप में भी आप कमेंट कर सकते हो 82282। हमारा जो व्हाट्सएप नंबर है वो हमारा है 82238। यहाँ पर एक मिनट हम दोबारा बता देते हैं आप लोगों को, यहाँ पर हमारा व्हाट्सएप नंबर है 82238111 31। इस व्हाट्सएप नंबर पर आप हमको क्वेश्चन भेज सकते हो। इसी के साथ आप लोगों से विदा लेना चाहेंगे। थैंक यू।